दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही चैनल माँ साहब की पाठशाला में देखिए बहुत स्पीड से कोविड का प्रसार हो रहा है बहुत सारे लोगों को काल के गाल में जाना पड़ रहा है और प्रशासकीय कार्य दायित्व तो हैं ये अभी भी चल रहे हैं इसके लिए अभी कोई मुक्ति नहीं मिली है क्या है वर्क फ्रॉम होम और 20 मई 2021 तक किस कार्य से आपको मुक्ति मिली है ये हम सारी चीजें जो आदेश आया है सचिव का उसमें देखेंगे देखिए पहले 30 तारीख तक वर्क फ्रॉम होम था इसके अलावा जिला प्रशासन सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिषदीय शिक्षकों शिक्षा मित्रों निदेशकों को दिए जाने वाले प्रशासकीय कार्य दायित्व तो हेतु यथावश्यक उनकी तैनाती एवं शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए थे तो पहले निर्देश चल रहे थे खूब इलेक्शन चल रहा था ट्रेनिंग चल रही थी सब कुछ चल रहा था यही प्रशासकीय कार्य हैं। और अब क्या किया है कि 20 मई तक वर्क फ्रॉम होम की अनुमति प्रदान की गई है तथा साथ ही आपको निर्देशित किया जाता है कि जिला प्रशासन सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिषदीय शिक्षकों शिक्षा मित्रों और निदेशकों को दिए जाने वाले प्रशासकीय कार्य दायित्व हेतु यथावश्यक उनकी तैनाती एवं शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तो आपको कोई जो पहले रियायत थी वही रियायत अब दी गई है इलेक्शन चलते रहेंगे मतगणना चलती रहेगी ट्रेनिंग चलता रहेगा सब काम होते रहेंगे बस बच्चों को वर्क फ्रॉम होम तो बच्चों को घर से पढ़ाना है इसके अलावा कोई रियायत नहीं दी गई है तो ये मंत्री जी का भी सेम वही बयान है तो घर पर रहिए सेफ़ रहिए और अगर आपकी ड्यूटी तो लगी होगी इलेक्शन में ड्यूटी लगी होगी अब इलेक्शन आज कंप्लीट हो रहे हैं तो मतगणना में ड्यूटी लग रही होगी बहुत सारे लोगों को प्रशिक्षण हो गया है एंटीजन टेस्ट कराए जा रहे हैं कहीं कहीं तो आर टी पी सी आर टेस्ट करा लीजिए आपको कोई भी परेशानी होती है तो मेडिसिन लेते रहिए आपकी जान है तो जहान है थैंक्स फॉर वॉचिंग